फिर से आ गया है कोरोना। घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक राशन प्रणाली से देश के 96.3% यानी 77 करोड़ से अधिक लाभार्थी सभी राशन दुकानों से जुड़ गए हैं। इसके लागू होने से लाभार्थी किसी भी राज्य अथवा राज्य के भीतर किसी भी राशन दुकान से अनाज उठा सकते हैं। इस प्रावधान के लागू होने के बाद से अब तक 56 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन इसके तहत हो चुके हैं। रोजी रोटी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने वाले मजदूरों को लाभ मिलने लगा है। रोजगार की तलाश में जाने वाले बिहार के मजदूरों ने रिकॉर्ड 1 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन किया है, यानी अपनी मूल राशन दुकानों के बजाय दूसरी जगहों की दुकानों से राशन प्राप्त किया है। जबकि पिछले साल ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल दिल्ली में हर महीने सर्वाधिक 2.6 लाख राशन कार्ड धारक इसका लाभ उठा रहे हैं। असम में योजना का लागू होना शेष रह गया है। इस पूरी प्रणाली को डिजिटल बनाने में तकरीबन 19 करोड़ लोगों को बाहर किया गया है। यह संख्या कुल 80 करोड़ लाभार्थियों की करीब 1/4 है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी में से 50,000 करोड़ रुपए का अनाज गलत हाथों में जा रहा था। इस भारी लीकेज को रोकने में सफलता मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की पूरी श्रृंखला को शुरू से आखिर तक कंप्यूटराइज करने का दो तरफा फायदा मिल रहा है। एक ओर जहां वाजिब उपभोक्ताओं उनके हक का अनाज समय से प्राप्त हो रहा है, वहीं सरकारी खजाने का दुरुपयोग बंद हो गया है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड ने पलायन करने वाले मजदूरों को सर्वाधिक लाभ दिया है। इस नई प्रणाली का लाभ राज्य के भीतर आने जाने वालों के साथ दूसरे राज्यों में पलायन करने वालों को भी मिलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस। बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।